आइए देखते हैं एबीपी न्यूज की खसूसी रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। हमारी सहाफती की हिम्मत अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। पूरा पुलिस स्टेशन के तरफ से एक इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्शन गैंग का डिटेक्शन और अरेस्ट हुआ। कुछ दिन पहले ये काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 346/2021 अंडर सेक्शन 406/420 आईपीसी, इसके तहत एफआईआर के मुताबिक 42 लाख का अटेंशन डाइवर्शन चोरी हुआ था, लेकिन एक्चुअली 38.50 लाख, चूंकि उसमें 3.5 लाख रिटर्न हुआ और अभी तक रिकवरी में 20 लाख का रिकवरी हुआ, 2.2 लाख वो लोग खर्च भी किए हैं और कुछ जमीन खरीदने के लिए एडवांस पैसा भी दिए। ये फेसबुक इसमें यूज हुआ है अटेंशन डाइवर्शन करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और अभी तक 4 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं आउट ऑफ 6, जिसमें मोहम्मद रफीक इब्राहिम कालबुर्गी जो कि हुगली का रहने वाला है कर्नाटक, बीजी श्रीनिवास एलियस मुकेश जो कि ओरिजिनली भिवंडी थाने महाराष्ट्र का रहने वाला है, रेड्डी पांडुरंगा राव एलियस पांडू एलियस गोपाल रेड्डी जिसके खिलाफ कुकटपल्ली में 2 केस और सरूर नगर में 1 केस है, ये वेस्ट गोदावरी का रहने वाला है, और इसके अलावा अवनीश कुमार मलराजा ये मंचीरिया का रहने वाला है। जो सीजर हुआ है अभी तक उसके मुताबिक 20 लाख रुपए कैश, रेक्सिन बैग, वाइट पेपर का फेक करेंसी का बंडल, टॉय करेंसी और सेल फोन। इसमें ये लोग 2 लोग अभी जो बाकी हैं, इनकी गिरफ्तारी होने के बाद और भी क्लियर सिचुएशन आएगा। विकास गौतम जो कि दिल्ली का रहने वाला है और अमित पटेल एलियस गुलजार ये बॉम्बे का रहने वाला है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे यदेंद्र इंस्पेक्टर बहुत अच्छा काम किए और खास करके सब इंस्पेक्टर ऑफिसर लक्ष्मैया जिनके फैमिली में लोग बीमार थे फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन छोड़े नहीं और डिटेक्ट करने के बाद ही लौटे, अंडर द लीडरशिप ऑफ एडिशनल डीसीपी मुरलीधर और हमारे जॉइंट सीपी रमेश ईस्ट जोन के लीडरशिप में यह केस डिटेक्ट हुआ। थैंक यू। నేరస్తుడు తాళం పెట్టుకుంటాడు, పెట్టుకున్న తర్వాత బంద్ చేస్తాడు, బంద్ చేసిన తర్వాత యాక్షన్ చేస్తాడు, అరే నేను మర్చిపోయిచ్చిన తాళం, విక్టిమ్ ఏం చేస్తాడు నాది నాకు ఇచ్చేయమంటాడు, క్లోజ్ చేస్తాడు, క్లోజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని లేపి మాటల్లో తిప్పుతాడు, చిన్న ట్రిక్ ప్లే చేశారు।